था उनको निकलने का मौका। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. हाँ तो मेरे भाइयों की हालचाल। आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक कुछ भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं हमारे क्लोज कॉम्बैट के बारे में, लाइक आप क्लोज रेंज में फाइट कैसे लेनी है। बिकॉज बहुत टाइम से बंदे बोल रहे थे कि लाइक आप क्लोज रेंज का भी थोड़ा सा फाइट बताओ कैसे लेना चाहिए कॉन्करर लॉबी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस मैं हमेशा आप लोगों को बताऊँ कि लाइक कॉन्करर लॉबी अगर आप खेल रहे हो तो ट्राई करो मिनिमम जितना हो सके क्लोज कॉम्बैट मत लो। क्लोज कॉम्बैट लेना इशू नहीं है गाइस, बट सीन ऐसा है कि क्लोज कॉम्बैट में अगर आप गलती से नॉक होते हो ना तो फिर वहाँ सीन होता है लाइक बंदा आपको सीधा ऑन द स्पॉट नॉक और फिनिश करेगा, जो आपके लिए बहुत खराब होता है। बट कोई ना, कभी कभार हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि हमें क्लोज कॉम्बैट में फाइट लेना पड़ता है, तो उसे कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मोस्टली क्लोज जो कॉम्बैट है हमारा वो थर्ड या फोर्थ जोन के बाद होता है, या फिर कभी कभार जब ड्रॉप लोकेशन फाइट होता है तब होता है और हम कभी होल्ड करने जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करो गाइस, अगर आपका स्टार्टिंग में गन फाइट हो रहा है तो उसे अवॉइड करो। अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, लाइक आपको अगर ऑप्शन नहीं है अवॉइड करने का, आप क्लोज कॉम्बैट में जा रहे हो तो हमेशा ट्राई करो गाइस। तब आप फर्स्ट ऑफ ऑल टीपीपी जितना हो सके टीपीपी ले लो, बिकॉज रैंक पुश में ना गाइस ओपन तुम अगर जाते हो और गलती से बंदे के पास अच्छा गन निकला, लाइक कभी भी समझ लो स्टार्टिंग में या फिर एंड में, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि लाइक बंदे का गन कौन सा है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में इतना प्रीफायर देगा वेगा नहीं, वो वेट करते हैं, लाइक बहुत सारे बंदे सिर्फ वेट करते हैं कि लाइक वो एक पोजीशन होल्ड करेंगे और फाइट लेंगे। तो ट्राई करो गाइस, सबसे पहला तो एकदम हार्ड टीपी भी ले लो बंदे को, ट्राई करो बंदे को गलती करने दो। अगर आप दोनों में कोई गलती नहीं कर रहा है वरना अगर तो सबसे बेस्ट है गाइस कि जैसे ही आपका क्लोज कॉम्बैट होता है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ट्राई करो अपने जो नेड्स मॉलीस वगैरह है उससे बंदे को पैनिक करो और उसको पूरा लाइक पूरा उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्लो कर दो, ताकि उस बंदे वाइज उसे ऐसा फील होना चाहिए कि लाइक सामने वाला बंदा बहुत अच्छा खेलता है तो उस बंदे पे फाइट वो हार सकता है। हम हमेशा गाइस कभी भी किसी बंदे पे लाइक पुश करते हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी भी ट्राई करता हूँ कि उस बंदे को थोड़ा डैमेज देख के मैं उस पर पुश करूँ। लाइक अगर मुझे थर्ड जोन किया था, अगर मेरे पास जोन नहीं बनता है हमें फोर्थ जोन पे एंटर करना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले बंदे को मिड रेंज में थोड़ा डैमेज दूँ ताकि वो हील वगैरह करे या फिर नॉक करो, ताकि बंदा अगर डैमेज है तो वो हील करेगा या फिर अगर बंदा नॉक करेगा तो उसका टीममेट उसको रिवाइव देगा। तब तक मैं क्लोज उसके क्लोज में आ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बंदा आपको क्लोज रेंज में आने देगा नहीं और वो आपको आई थिंक व्हीकल से गिरा देगा। और जैसे मैं क्लोज में आता हूं गाइस तो सबसे पहले मैं बंदे को पूरा पैनिक करता हूं। मैं वन वन फाइट ले सकता हूं और जीत भी सकता हूं, बट मैं लेता नहीं हूं कभी भी, बिकॉज उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है क्लोज कॉम्बैट में। लाइक अगर बंदे के पास थोड़ा सा एडवांटेज गन एडवांटेज रहा या फिर रेंज एडवांटेज रहा या फिर टीपीपी एडवांटेज रहा तो फिर उसमें जीतना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, बिकॉज आप सबको पता है। और दूसरा बात गाइस, जो मैक्सिमम जो रैंक पुशर से वो ऑब्वियसली एंड्रॉयड पे खेलते हैं तो उनका जो फ्रेम रेट है कंपेयर टू कभी कभार आईफोन वालों के अगेंस्ट में तो उन्हें हमेशा ही हारना है। जैसा आपको पता है कि लाइक मैं भी अभी एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो चुका हूँ तो मुझे पता है कि लाइक लैग और फ्रेम रेट जो इशू होता है क्लोज कॉम्बैट में ही होता है गाइस मैक्सिमम टाइम। जब मैं हम क्लोज रेंज में किसी बंदे का फाइट लेते तो अगर सामने वाले का फ्रेम रेट अच्छा है तो उसका जो बुलेट रजिस्ट्रेशन है वो आपके कंपेयर में बहुत अच्छा होगा। जहां आपको 10 गोली मारना पड़ा तो उस बंदे को सिर्फ 5-6 गोली मारना पड़ेगा। तो ट्राई करो गाइस, जैसे आप किसी बंदे के क्लोज में जाते हो तो उस पे नेड्स और मॉली से उसे या तो डैमेज दो या तो नॉक करो या तो उसे इतना पैनिक कर दो कि लाइक वो बंदा ना गाइस इसका जो कॉन्फिडेंट है फाइट लेने का वो पूरा लो हो जाना चाहिए। वो बंदा ऐसा उसके सोचना नहीं चाहिए कि लाइक मैं उस बंदे को मार सकता हूँ सामने वाले को। अगर उस बंदे का कॉन्फिडेंट लोगे ना गाइस तो वो बंदा एक ना एक तो गलती करेगा ही करेगा,
बिकॉज पैनिक सिचुएशन में गाइस हर कोई गलती करता है, तो आप भी ट्राई करो क्लोज कॉम्बैट में बंदे को पूरा पैनिक करो, या फिर नेड या मॉली से डैमेज देके उस पे पुश करो। डायरेक्ट पुश मत करना गाइस कभी भी, वन वी वन में कभी भी डायरेक्ट पुश मत करो। रैंक पुश लॉबी में डायरेक्ट पुश करने में इशू नहीं है, अगर आपने मार लिया तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं मार पाए तो बंदा आपको नॉक और फिनिश कर देगा। अगर आप सोलो हो तो डायरेक्ट मरोगे। डुओ और स्क्वाड में आप सबको पता है बंदे नॉक करने के बाद आजकल बंदे बिल्कुल नहीं छोड़ते, सीधा नॉक और फिनिश करेंगे, तो वहां पर आप मरने के बाद आपको अच्छा खासा माइनस लगता है, तो ट्राई करो कि ऐसी गलती ना करें। और दूसरी बात करेंगे इस लाइक हम एंड जोन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज कॉम्बैट फाइट होता है, लाइक आपको सबको पता है जोन में रोटेशन मारने के लिए, तो उस टाइम पे गाइस आपको मैं बोलूँ तो जितना हो सके स्मोक्स और बंदे का एम ब्लॉक करो, बिकॉज एम ब्लॉक में गाइस बंदा पैनिक हो जाता है, बिकॉज उसको अगर प्रॉपर व्यू नहीं आएगा तो वो गलती करेगा। तो बस गाइस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं क्लोज कॉम्बैट में, हमेशा ट्राई करता हूँ लाइक क्लोज कॉम्बैट में यही सब ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, सामने वाले को नेड या मॉली से डैमेज, उसे या तो डिमोट, उसे लाइक मैं बोलूँ तो पूरा डिमोटेट कर देता हूँ, लाइक वो फाइट जीत नहीं पाएगा, और थर्ड या तो उस पर मैं डैमेज देके ही पुश करता हूँ, और फिर टीपीपी। तो बस इस बारे में तो इतने बोलेंगे गाइस। तो चलिए अब थोड़ा सा गेम प्ले के बारे में बात करते हैं। अब ये वाला गेम प्ले गाइस हमारा अच्छा खासा किल्स हो चुके थे इस गेम प्ले में भी, लाइक हमारे यहाँ पर लास्ट बचे थे दो बंदे, तो सॉरी तीन बंदे बचे थे, तो फिलहाल एक बंदे को मैं इजीली यहाँ पर नॉक और फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पर लास्ट दो बंदे बचे थे, तो जिसमें से मेरा टीममेट बोलती है कि लाइक एक बंदा इस ट्रिप पे और जो सेकंड बंदा था गाइस वो उसका मुझे आईडिया नहीं था, बट ये दोनों सोलो थे बिकॉज इसके टीममेट को लाइक ये जो मैंने अभी जस्ट एक बंदे के टीममेट को मारा था, तो ऑब्वियसली वो बंदा उसका पार्टनर बचा होगा, और जो लास्ट बंदा होगा वो भी सोलो ही होगा बिकॉज यहाँ पर हमें छोड़ के सिर्फ दो ही बंदे थे। तो यहाँ पर मैं बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ और थोड़े से एंगल्स वगैरह बदलता हूँ ताकि लाइक मुझे कहीं पर बंदा स्पॉट हो जैसे मारूँ, कि इतने में मुझे यहाँ पर दूर एक बंदा स्पॉट हो जाता है, और जैसे ये बंदा मुझे स्पॉट होता है तो इसे हम स्प्रे लेंगे M4 का और इजिली मार देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट बंदा बचा था जो हमारे सामने ट्री पे था और हमें आइडिया आ चुका था, तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट को कॉल देंगे लाइक हम गाड़ी के थ्रू पुश करेंगे बिकॉज हम ऑन फुट तो जा नहीं सकते, वो बंदा ऑन फुट जाएगा तो हमें इजिली गिरा देगा। तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि लाइक हम थोड़ा सा एंगल विंगल देके अगर इसे डैमेज दे पाए तो हम सीधा अपने व्हीकल से इस पर पुश कर देंगे, बट ये बंदा हमें पिक करता नहीं है, तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने आप को पूरा बूस्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही बूस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा जोन में हमारे स्ट्रेट में लाइक जहाँ से मुझे व्हीकल निकालना है, तो यहाँ पर मैं स्मोक कर लेता हूँ ताकि जब हम क्लोज इन करें या जोन में एंटर करें तो वो बंदा जब स्प्रे ले तो वो उसको हमारे पर प्रॉपर व्यू ना है, हम स्मोक के थ्रू थोड़ा अंदर एक बार जा पाए तो वो हमें प्रॉपर डैमेज दे नहीं पाएगा लाइक, या तो वो बंदे को गिरा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं स्मोक करता हूँ तो अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि तुम फटाक से आ जाओ, तो अब देखना गाइस हम इस बंदे को कैसे मारेंगे और हम चिकन डिनर भी कैसे लेंगे। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, और आप वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। ये सिंगल टैप मार रहा था।